महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लाए जा रहे गैंगस्टर फिरोज खान की उस समय मौत हो गई जब पुलिस का वाहन मध्य प्रदेश में पलट गया। रोड पर अचानक सड़क पर आई गाय को बचाने में यूपी पुलिस का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार गैंगस्टर की मौत हो गई, जबकि यूपी पुलिस के एसआई व आरक्षक सहित तीन लोग घायल हो गए। दरअसल ये घटना जिले के चांचौड़ा थाना क्षेत्र के पाखरियापुरा टोल से 1 किलोमीटर आगे हुई है। देहात थाना प्रभारी आदित्य सोनी ने बताया कि यूपी के लखनऊ शहर के ठाकुरगंज थाने की पुलिस टीम मुंबई से लौट रही थी। यह टीम 2014 से फरार मुलजिम 65 साल के फिरोज खान को गिरफ्तार कर लखनऊ ले जा रही थी। यूपी की पुलिस टीम इनोवा कार में मुंबई से लखनऊ आ रही थी, तभी रविवार सुबह चांचौड़ा थाने के तहत जोगीपुरा टोल नोक से करीब 1 किमी पहले सड़क किनारे गायों का झुंड बैठा था। झुंड में से एक गाय उठकर अचानक से सड़क पर आ गई, जिसे बचाने में वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर सड़क की दूसरी ओर जाकर पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार मुलजिम फिरोज खान गाड़ी से नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि फिरोज के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसके ऊपर लूट चोरी के 6 मुकदमे दर्ज थे। न्यूज़ डेस्क।